यूपी के अंदर बस पलट जाती है, 31 आदमी की मृत्यु हो जाती है, यूपी के अंदर ही ट्रक आमने सामने टकराता है, 26 व्यक्तियों की मौत हो जाती है, लगातार मजदूरों का मरना एक्सीडेंट के माध्यम से, चाहे पुलिस ने मारा, कुछ ये हजम नहीं हो रहा। यूपी के झांसी में मजदूरों के ऊपर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया, हरियाणा में मजदूरों के ऊपर पुलिस वालों ने बेदर्दी से लाठी चार्ज किया, गुजरात के अंदर पुलिस वालों ने बहुत ही बेरहमी के साथ पुलिस वालों ने मजदूरों के ऊपर लाठी चार्ज किया। नमस्कार मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। हजम इसलिए नहीं हो रहा है कि जो सरकार इतने सारे दावे करके सत्ता में आई थी देश की तकदीर बदलने के लिए, और वो अचानक से 5,65,000 कंपनियों को बंद करने का काम करती है, उसके बाद अचानक से लॉकडाउन करके पूरे भारत की जनता का काम काज ठप करने का काम करती है, अचानक से डिसीजन लेके नोटबंदी करके पूरे भारत का काम काज ठप करने का काम करती है, वो सरकार बेहतर कैसे हो सकती है। और उससे भी बड़ा शर्मनाक कल बयान निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री भारत सरकार का, जो महिला है सीतारमन, उसने जो कल बयान दिया है मजदूरों के प्रति, शर्मसार करने वाला ये बयान है कि राहुल गांधी बैग उठा के कंधे पे लेके क्यों नहीं गए। तो आपको सीतारमन जी बता दूं, ये बैग उठाने का ठेकेदारी 5 साल के लिए जनता ने आपको दिया है, आपको इस देश की जनता का बैग उठा के आपका काम है ले जाना। भारत की जनता ने 5 साल के लिए भाजपा सरकार को चुना है, और भाजपा सरकार का काम है एक एक देशवासियों का झोला उठाना कंधे के ऊपर। यही मांगा था ना नरेंद्र मोदी ने, मुझे 60 दिन दे दो, 60 दिन में मैं देश का आपका तक। प्रधानमंत्री ने 60 महीने मांगे थे, 60 महीने दिए, क्या कर लिया प्रधानमंत्री ने, फिर से 60 महीने दिए, मैं आपका चौकीदार हूं। उसके सारे नेता भी बोलने लगे मैं भी चौकीदार हूं। अरे भैया, तो चौकीदार सारे गायब कहां हो गए देश के। आज देश की जनता पैदल चल रही है, भूख से मर रही है, तो कहां हो चौकीदार, किस बिल में घुसे हुए हो। सत्ता नहीं संभल रही, आज इस्तीफा दे दो। ये देश तुमसे पहले बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तो देश का एक एक नागरिक खुश था। जब से 6 साल की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, देश का चाहे उद्योगपति हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई हो, चाहे महिला हो, एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज परेशान है, चाहे वो किसान हो, एक व्यक्ति देश का सुखी नहीं है। शर्म नहीं आती इस बयान को देते हुए सीतारमन, मजदूरों का मजाक उड़ा रही हो, गरीब आदमियों का मजाक उड़ा रही हो, रेलगाड़ी की सुविधा किसके पास है, बस की सुविधा किसके पास है, इस देश की पावर किसके पास है जो आज गरीब मजदूर पैदल चल रहे हैं। शर्म नहीं आता, या बेशर्मी का ताज पहन के बैठ गई हो। शर्म हया नाम की चीज नहीं है भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर के अंदर, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, सारे बेशर्मों की एक टीम सी खड़ी हो गई है। गरीब मजदूरों का मजाक उड़ाते हो,
शर्म बेच के खा गए हैं ये, सत्ता में, सत्ता के नशे में ऐसा चूर हो गए हैं कि इनको मनुष्य मनुष्य नजर नहीं आ रहा आज भारत के अंदर। कौन से इंडिया का निर्माण करने चले हो? क्या ये मेक इन इंडिया है? क्या ये न्यू इंडिया है? 3,000 करोड़ का गुजरात में मूर्ति बनाते हो और 1,000 करोड़ रुपए गरीब मजदूर पे नहीं खर्च कर सकते? शर्म नहीं आती? 20,00,000 करोड़ की फंडिंग की बात कर रहे हो, सिर्फ 1,000 करोड़ की बात थी, ये 100 करोड़ की बात थी सिर्फ। सारे देश के मजदूर अपने अपने घरों को पहुंच जाते, वो भी मजदूरों के लिए नहीं है। मत देश के अंदर मत किसी ने दिया है तो वो गरीब जनता का मत पड़ता है, सॉलिड। इस बात को कभी मत भूलना। 5 साल बीतते समय नहीं लगेंगे, 5 साल बीतते समय नहीं लगेंगे नरेंद्र मोदी जी। मजाक उड़ाते हो गरीब जनता का, बिहार वासियों का, उत्तर प्रदेश वासियों का, झारखंड वासियों का, बंगाल के लोगों का मजाक उड़ाते हो। ये मजाक नरेंद्र मोदी जी बहुत महंगा पड़ेगा, ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि जब ये लॉकडाउन खुलेगा गुजरात की फैक्ट्रियों में ताले लगे हुए नजर आएंगे, तुम्हें मजदूर नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र के फैक्ट्रियों में ताले लटके हुए नजर आएंगे, तुम्हें मजदूर नहीं मिलेगा। और जो उद्योगपतियों पे कूद रहे हो ना, जब उनके घर में ताले लगेंगे तब समझ में आ जाएगा क्या दिन है और क्या रात है। अरे राजनीतिक तो कभी की ही नहीं, बीमारी तो हिंदू मुसलमान की देश में फैला के मत लिया, कभी विकास के नाम पे नहीं मिला। गरीब आदमियों का मजाक उड़ाते हो, मजदूर आदमियों का मजाक उड़ाते हो, शर्म नहीं आती? बेहाया प्रधानमंत्री, बेहाया सीतारमन, जरा भी शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं है। लोग पैदल चल रहे तो उसका हंसी उड़ा रही हो, लोग भूख से मर रहे तो उसका हंसी उड़ा रही हो। बेशर्मी का ताज पहन के बैठ गई हो सत्ता में, ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा, ये बर्दाश्त नहीं है। वादा करता हूं मैं अपने बिहार के मजदूरों से, बहुत जल्द वो समय आएगा बिहार के अंदर कि बिहार के लोग पलायन नहीं करेंगे, बहुत जल्द आएगा। मेरे जीवन का एक ही मकसद है कि बिहार के लोग पलायन नहीं करेंगे, दूसरा और कोई मकसद नहीं है। मैं सत्ता का लोभी नहीं हूं, ना ही बहुत जल्दी वो समय आएगा बिहार का कि लोग बिहार के अंदर रोजी रोजगार तलाशने के लिए आएंगे। लॉकडाउन खुलने दो माननीय प्रधानमंत्री जी, वो दिन आएगा। और ये धनेश्वर महतो वचन दे रहा हूं बिहार की जनता को कि बिहार में रोजगार मिलेगा। मैं जानता हूं कैसे रोजगार मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा, जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, सीताराम, मां भगवती, मां जगदम्बे, इन मूर्खों की जमात को अकल थोड़ी सी दे देना। जय हिंद।